मी अनिल पाटील खानापूरकर देगलूर तालुक्यातल्या सर्व जनतेला नम्र विनंती करू इच्छितो की गेल्या काही दिवसापासून आपल्या देशामध्ये व जगामध्ये जे कोरोनाचं महाभयंकर पेव फुटलेलं आहे त्या संदर्भामध्ये मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो की अतिशय मोठी बिमारी आहे. कोरोनाला आपण अतिशय हलक्या स्वरूपामध्ये घेऊ नये. देगलूर तालुक्यातल्या सर्व जनतेला माझी विनंती राहणार आहे की या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब, तसेच नांदेड जिल्ह्याचे आपले पालकमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेब, ह्या सर्वांच्या अथक प्रयत्नातून ह्या बिमारीपासून आपला बचाव व्हावा त्या दृष्टीनं म्हणून आपल्याला घराच्या बाहेर न निघण्याची विनंती करण्यात येत आहे. प्रशासनाच्या वतीने ज्या काही आपल्याला सूचना दिलेल्या आहेत त्या सूचनांचं पालन करणं हे अत्यंत आपल्याला जिकिरीचं आहे. म्हणून सगळ्याला माझी विनंती राहणार आहे की कृपया आपण त्यांच्या या प्रयत्नाला आणि आपल्या जीवासाठी म्हणून व आपल्या कुटुंबाच्या जीवासाठी म्हणून येणाऱ्या 14 तारखेपर्यंत लॉकडाऊनमध्ये आपण आपल्या घरामध्ये आपल्या कुटुंबियासह कृपया घरामध्ये राहावं आणि प्रशासनाला सहकार्य करावं व आपल्या कुटुंबाचं संरक्षण करावं. तसेच मी सर्व या देशातल्या डॉक्टर्स, नर्स, सर्व हॉस्पिटल्स यांचे आभार व्यक्त करू इच्छितो की ते स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून आज या कोरोनाग्रस्तांचा इलाज करत आहेत. निश्चितपणानं त्यांचं कार्य कौतुकास्पद आहे. तसेच पोलीस प्रशासनाचे सुद्धा मी विशेष आभार मानेन की त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून आज सगळीकडं 144 कलम लागू झाल्यानंतर सगळ्यांना घरात राहण्यासाठी सूचना करत रात्रीचा दिवस करून ते आपल्या जीवाची पर्वा न करता तुमचा आमचा जीव वाचवण्यासाठी कार्य करत आहेत. तसेच सफाई कामगार असतील, ह्या देशातल्या ज्या काही लोक आपला स्वतःचा जीव धोक्यात टाकत आहेत त्यांचा विचार करून व आपल्या कुटुंबाचा विचार करून सगळ्याला माझी विनंती राहणार आहे, कृपया घरामध्ये राहा. आपण आपलं स्वतःचं, आपल्या आईवडिलांचं, मुलांचं, सगळ्यांचं जीव सुरक्षित ठेवण्यासाठी म्हणून फक्त आणि फक्त शासनाचे निर्देश डोळ्यापुढे ठेवून घरात राहावं ही माझ्यातर्फे मी सर्व या देगलूर तालुक्यातल्या जनतेला विनंती करू इच्छितो. मी पांडे गुरुजी मानव विकास विद्यालयामध्ये 35.5 वर्ष शिक्षक म्हणून काम केलेले आहे. माझ्या संपूर्ण आयुष्यात आज जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे तो कधीही आलेला नव्हता. करोना व्हायरस हा एक भयंकर महामारीचा रोग आहे. तो आज जगालाच काय सगळ्या मानवजातीला भयंकर हा त्रास देणारा आहे. तर त्यासाठी माझी विनंती अशी आहे की सर्वांनी घरातच राहावे, बाहेर निघू नये. त्याला एकच औषध म्हणजे हेच औषध आहे. पंतप्रधान मोदीजी यांनी आवाहन केलेले आहे, त्यांच्याबरोबरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सुद्धा आवाहन केलेले आहे. त्या आव्हानामध्ये हेच म्हटलेले आहे, तुम्ही घरातच राहा. त्याला एकच इलाज म्हणजे तो आहे. आजपर्यंत कोणताही इलाज सापडलेला नाही. आणि माझे अशी विनंती आहे की तुम्हा सर्वांनी घरातच राहावं. लहान, आजार, मोठे, बालक सगळ्यांनी घरातच राहावं. आणि म्हणजे त्याच्यावर आपल्याला त्याचा पराभव करता येईल. तर माझी विनंती पुन्हा परत एकदा अशी आहे की सर्वांनी घरात राहूनच याचा पराभव करावा. अभी की परिस्थिती ऐसी है, सब
अपने अपने घरों में रहो, एकांत में रहो, ज़्यादा भीड़ में ना जाओ। ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक मौका है आपको अंतर्मुखी होने के लिए। अंतर्मुखी सदा सुखी। अभी नवरात्र आ रही है, पारंपरिक रूप से हम लोग सब मंदिर में जाते हैं, सब लोग वहाँ सब समूह में बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, तो यह समय है हम इन सब से दूर रहेंगे, अपने अपने घरों में करेंगे। जो भी आराधना करना है, नमाज पढ़ना, अपने घरों में पढ़ें। मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, चर्च जाने की ज़रूरत नहीं। समूह में ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना ना करें तो अच्छा है। सभी आश्रमों में यही अपना नियम लगाएं कि वहाँ कोई भीड़ ना हो और सब आश्रम बंद हो कुछ दिनों के लिए, ये अच्छा ही है। और घर में भी बहुत ज़्यादा बातें करने की दरकार नहीं है। बहुत बातें करते हैं तो और ज़्यादा उलझते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं। हमने सुना चाइना में डाइवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, सब लोग घर में रहना पड़ा तो डाइवोर्स एकदम बढ़ गया, क्यों ज़्यादा बातें करने लगे एक दूसरे को। हम अपना थोड़ा सा साधना पर हो जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, थोड़ी देर बैठ के ध्यान करना शुरू करें, मौन रखें। यह समय ऐसा है और इस समय के अनुकूल हम अपने आप को ढालना पड़ेगा हमें। तो मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा, घबराइए मत, डरने की कोई बात नहीं, अपना रोग निरोधक शक्ति बढ़ाओ। हल्दी ज़रूर लो, अमृत ज़रूर लेना, अमृत कहते हैं गिलोया सत्वा है, वो ज़रूर लीजिए। नींबू ज़रूर लीजिएगा, नींबू पानी पीएगा, ये रोग निरोधक शक्तियों को बढ़ाएं। प्राणायाम, ध्यान, योगासन, ये सब करिए घर में बैठे बैठे। और नवरात्र का महोत्सव अंतर मन में माँ के साथ बनाओ। हर एक व्यक्ति बैठ के कवच सुनिए, पाठ सुनो, दो चार लोग बैठ के दूर दूर बैठ के थोड़ा भजन करना हो तो करो, मगर भीड़ में जाने की कोई दरकार नहीं है। माता मंदिर में ही नहीं, अपने मन में है। मन को, मन मंदिर है, मन मंदिर को स्वच्छ रखते हैं, मन मंदिर में भगवान को याद करेंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। समय की मांग को हम पूरा करते हैं और मैं कहूँगा निश्चित ही इससे लाभ ही लाभ मुझे दिखता है। हर व्यक्ति साधक बन जाएगा, चमक जाएंगे सब, दुनिया चमक जाएगी। यदि हम इस पथ पर नहीं चलते हैं फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। साधना ही, ध्यान ही एक ऐसा चीज़ है जिसको पकड़ करके आप इस मौके पर अपने आप को और खूबसूरत और सुंदर बना सकते हो। वालेकुम, मैं डॉक्टर फारूक हांची, फिजिशियन, यूनिवर्सल हॉस्पिटल नांदेड़। आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो है ये बीमारी कोरोना जो है, जो बड़ी तेज़ी से चीन से शुरुआत होकर सारी दुनिया में फैल चुकी है और तकरीबन 400,000 से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं और 18,000 से ज़्यादा अमवात हो चुके हैं, मौतें हो चुकी हैं इसकी वजह से। तो इसके अंदर जो है इसका कोई डेफिनेट इलाज अभी तक नहीं आया है, जो भी ड्रग्स है उसके भी डेफिनेट रिजल्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा हथियार आज हमारे पास जो है वो ये है कि जो है सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें और जो है आपस में जो है कॉन्टेक्ट्स जो है से बचें और जो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। ये हमारे पास आज सबसे बड़ा हथियार है। जहां भी इसको सोशल डिस्टेंसिंग को सरासरी तौर पे लिया गया और उसको फॉलो नहीं किया गया, आज वो लोग खून के आंसू रो रहे हैं। इटली के हालात हमारे सामने हैं जहां 70,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं और 6,000 से ज़्यादा मौतें इस बीमारी की वजह से हो चुकी है। और जो इटली जिसका मेडिकल सिस्टम वर्ल्ड में नंबर 2 पे आता है, वहाँ की मेडिकल सिस्टम सैचुरेट हो चुकी है और उसने जो है हाथ ऊपर कर लिए। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह न करे अगर ऐसे हालात हमारे पास आ जाए तो जो है ये फिगर जो है बीमारी का और अमवात का बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये मिलियंस में हो सकता है।
मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हालात से बचने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट इंडिया की तारीफ करूंगा कि इसने बड़े अग्रेसिव तौर पे इसको अपनाने की कोशिश की है और इसको अमल में लाने के लिए सबसे पहले कलम 144 लागू किया, जब ये काबू में नहीं आया तो कर्फ्यू को लागू किया है। तो आज हमारा काम यह है कि हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें और गवर्नमेंट को जो है इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग में और ये बीमारी को फैलाने में, बीमारी को रोकने में जो है हम अहम रोल अदा करें। और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें और जो है बिना वजह बाहर न जाए। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे कौम के नौजवान जो बड़ी तादाद में रोड पे नजर आ रहे हैं, ग्रुप की शक्ल में टपरियों पे नजर आ रहे हैं, ग्रुप की शक्ल में जो है मंतखे मारते हुए नजर आ रहे हैं, और जब पुलिस आती है तो ये छुप जाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि आत्मीचुरी का खेल खेल रहे हैं। और जहालत की हद तो यहां हो गई कि आज हमारे कौम के नौजवान जो है क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो है बड़ी तादाद में लोग वहां हाजिरी दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हालात है और जो एक्टिविटीज है ये सुसाइडल अटेम्प्ट के बराबर है और ये हमारे लिए बहुत महंगी साबित होने वाली है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए और एक अच्छी शहरी होने का सबूत दीजिए और गवर्नमेंट का पूरा पूरा साथ दीजिए। और एज ए ईमान वाले हमारा काम ये कि हम सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें और गवर्नमेंट सबसे ज्यादा मुतमईन हमारे से होना चाहिए। और मैं जो है आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो है अच्छे ईमान वालों होने का सबूत दें और अच्छी शहरी होने का सबूत दें। पेशेंट को कोई छूता नहीं है मरने के बाद में। पेशेंट जब एकदम डेथ के नजदीक होता है तो उसको प्लास्टिक की बॉडी में कवर कर देते हैं, डॉक्टर उसको छूते नहीं, ग्लव्स बाहर से ही उसका ट्रीटमेंट होता है। आपके भगवान न करे अगर बच्चे को हो गया ना कोरोना वायरस तो उसको ले जाएंगे, पहले तो आइसोलेट करेंगे, उसको आइसोलेशन के बाद क्वारंटाइन करने के बाद अगर तो वो ठीक हुआ आप उससे पहले तो मिल नहीं सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते, उसका ध्यान नहीं रख सकते। अगर वो ठीक ना हुआ, भगवान न करे ऐसा हुआ, तो उसकी बॉडी तक आपको नहीं मिलेगी। ये कोई आसान डेथ नहीं है, ये बहुत दर्दनाक है। देख रहे हैं आप इटली के अंदर लोगों को वापस भेज रहे हैं, नहीं चाहिए, तुमको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। दुनिया के 5 सबसे अच्छे देशों में था हेल्थ केयर के मामले में, आज बर्बाद हो गया। लेकिन भारतीय जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं ना, बहुत ही शर्म की बात है। इतने चुटकुले तो पूरी दुनिया ने नहीं बनाए जितने भारत ने अकेले टिकटॉक पे बना दिए। आंकड़े बदल गए, वही चाइना और साउथ कोरिया जिसमें सबसे ज्यादा नए केसेस आते थे, पूरा डिप मार गया। कारण क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, देश कंट्रोल हो गया, डिसिप्लिन ही एकमात्र कारण है। और दूसरी तरफ अब पृथ्वी के दूसरे हिस्से पे इटली, यूएस, स्पेन, जर्मनी, ईरान, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा पावरफुल देश सबसे ज्यादा बर्बादी के नजदीक आ गए इस समय। इटली के अंदर पूरा कोलैप्स कर चुका है। आज इटली में अगर कोई बूढ़ा पेशेंट और जवान पेशेंट आए तो बूढ़े को कहते हैं तू मर जा, खाली जवान को ले लेते हैं। क्यों? उसकी रोज सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं ना, आपको मालूम होना चाहिए। कोरोना वायरस की मौत को ध्यान से समझिए आप, यह आसान मौत नहीं है, बड़ी दर्दनाक मौत है। चीन में लाशों की लाइन लग गई, आपको क्या लगता है यह लाशों की लाइन हो सकता है आपकी कॉलोनी में भी लग जाए, आपके परिवार में लग जाए? मैं क्या कह रहा हूं, ब्रेक द चेन, लर्न एट होम कैंपेन शुरू करो। यह छुआछूत की बीमारी है, पहले तो मान के चलो कि जो भी कुछ छू रहे हो उसमें कोरोना है, उसमें कोरोना है। हर आदमी को, हर आइटम जो आपके घर में आ रही है, हर दरवाजा, हर एक कुंडी, हैंडल, गाड़ी का दरवाजा, चाबी, कुछ भी आपके हाथ में आ रहा है पहले मान के चलो उसमें कोरोना है। अखबार आ रहा है उसको लेना बंद कर दो, दूध की थैली आ रही है पहले उसको बाहर से साबुन से धो बिल्कुल, बाजार से कोई भी चिप्स लेके आए हो सकता है अंदर ठीक हो लेकिन बाहर तो वो कम से कम 1000 हाथों से लग के आया, आपने उसको खोला, उन्हीं हाथों से खा लिया, आपने कोरोना को निमंत्रण दे दिया। साबुन से धो बाहर के पैकेट को, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी पहले, समझो। भारत को ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला था, उसका फायदा हो गया। भारत को जो 21 दिन एक्स्ट्रा मिले दूसरे देशों के मुकाबले, पहले 40 दिन में भारत में केवल 50 केस आए, फिर ये तेज बढ़ा, अगले 5 दिन के अंदर वो केस 100 हो गए, अगले 3 दिन के अंदर वो 150 हो गए, उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर वो 200 हो गए और इस समय टोटल 500 से ज्यादा हो चुका है। इसे बोलते हैं तीसरे स्टेज की तैयारी। हर 4 से 5 दिन के अंदर इंडिया में केसेस डबल हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, इसीलिए मोदी बोल रहे हैं रुक जा, घर में बैठ जा। मैं कह रहा हूं ये देश की सेवा का सबसे अच्छा तरीका है। अमेरिका के अंदर अब हर दूसरे दिन केस डबल हो रहे हैं, देहांत से बेहतर है एकांत। क्या बोल रहा हूं मैं, देहांत से बेहतर है एकांत, फैसला आपका है। दुर्घटना घटी, आलू पूरी बटी, मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए बोल रहा हूं ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन।
जय।